ओके हाय एवरीवन। सो आज हमें एचसीवी का एक क्वेश्चन डिस्कस करना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। सो इट सेज इज द कलर ऑफ 620 नैनोमीटर लाइट एंड 780 नैनोमीटर लाइट सेम? इज द कलर ऑफ 620 नैनोमीटर लाइट एंड 621 नैनोमीटर लाइट सेम? हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन वाइट लाइट? ओके सो देखो, अगर हम विजिबल रीजन की बात करते हैं देन विजिबल रीजन में आपके पास वेवलेंथ का जो रेंज होता है ना, लैम्डा की जो रेंज होती है वो अराउंड 340 नैनोमीटर से लेकर के 780 नैनोमीटर तक होती है। इट मींस अगर किसी लाइट की जो वेवलेंथ है वो 340 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर के बीच में है, देन वो विजिबल रीजन में होगी। इट मींस हमारी जो आँख है, जो ह्यूमन आई है, उस लाइट को देख सकती है, राइट? नाउ आप देखो कि इस रेंज में बेसिकली आपके पास 7 कलर्स होते हैं विबग्योर, है ना? विबग्योर के नाम से आप उनको जानते हो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सो आप देखो, लेफ्ट टू राइट जाने में जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट जाने में वेवलेंथ इंक्रीज होती है। इट मींस जो मिनिमम वेवलेंथ होगी वो वायलेट के लिए होगी लैम्डा मिनिमम, और मैक्सिमम जो वेवलेंथ होगी वो रेड के लिए होगी। तो आप इजीली बता सकते हो कि वायलेट के लिए जो मिनिमम वेवलेंथ है ना, 340 से स्टार्ट होता है, सो अराउंड 340 होगी इस वायलेट के लिए, और रेड के लिए कहाँ तक जाएगी? 780 नैनोमीटर तक। सो आप देखो, 340 से 780 नैनोमीटर की रेंज में आपके पास बेसिकली 7 कलर्स है। सो ईच कलर के लिए, फॉर एवरी कलर आपके पास वेवलेंथ की एक रेंज आएगी, राइट? वेवलेंथ की एक रेंज होगी फॉर एवरी कलर। जैसे वायलेट को मान लो 340 से लेकर के मान लो ये 380 तक, राइट? फिर यहाँ से मैं एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बता रहा हूँ, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि अब इनके इनके करस्पॉन्डिंग एक रेंज आएगी। मान लो ये 380 से चालू होता है, लेट्स से 470 तक जाता है। सो इस तरह से हर कलर की अपनी एक वेवलेंथ की रेंज है, राइट? सो अगर आप मान लो डिस्टिंग्विश करना चाहते हो 620 एंड 621 में, सो ये एक ही रेंज में आएंगे, है ना? ये जो बेसिकली रेंज आएगी एक ही कलर की, कलर के करस्पॉन्डिंग ये वेवलेंथ है, क्योंकि इनमें सिर्फ वन का डिफरेंस है। सो दैट्स व्हाई ये जो दो वेवलेंथ है ये सेम कलर की है। बट अगर आप 620 और 780 को आपस में कंपेयर करोगे, देन आप देखो कि 620 और 780 में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। 780 तो ऑफकोर्स रेड की करस्पॉन्डिंग होगी, और जो 620 है वो मोर ऑफ ऑरेंज के करस्पॉन्डिंग होगी, है ना? ये काइंड ऑफ, आप देखो ये रेड के पहले आ रहा है ना, तो ये काइंड ऑफ ऑरेंज की करस्पॉन्डिंग होगी और ये रेड के करस्पॉन्डिंग है। सो जो 620 और 780 है ये डिफरेंट कलर्स की वेवलेंथ है, बट 620 और 621 सेम कलर को रिप्रेजेंट करती हैं, बेसिकली काइंड ऑफ ऑरेंज। सो इनमें आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। और जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर से बनती है, नीडलेस टू से, है ना? इनको आप जब कंबाइन करते हो सो बेसिकली एक व्हाइट लाइट तैयार होती है। ये जो 7 कलर्स के कॉम्बिनेशन से जो लाइट बनेगी वो व्हाइट बनेगी। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। कीप वर्किंग हार्ड। बेस्ट ऑफ लक। बाय।